श्रुति फाउंडेशन छत्तीसगढ़ द्वारा 75वें स्वतंत्रता दिवस को अमृत महोत्सव के रूप में मनाने के साथ ही नए भारत की उपलब्धियों को दुनिया को बतलाना है के उद्देश्य को लेकर तिरंगा झंडा वितरण कर संदेश दिया गया। विजय विश्व तिरंगा लेकर भारत को विश्व गुरु बनाने की अपील के श्रुति फाउंडेशन छत्तीसगढ़ संस्था द्वारा एक अभियान के तहत लोगों तक पहुंचा आजादी के 75वीं अमृत महोत्सव को मनाने घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा फहराने की अपील की जा रही है, जिसके तहत संस्था की संस्थापिका एवं अध्यक्षा नीतू श्रीवास्तव द्वारा जानकारी दी गई कि इस अभियान के अंतर्गत श्रुति फाउंडेशन छत्तीसगढ़ संस्था द्वारा झंडा वितरण का कार्य विभिन्न जगहों में चालू किया गया है, जिसकी शुरुआत कलेक्टर से की गई, जहां दुर्ग शहर के एसपी अभिषेक पल्लव, एडिशनल एसपी अनंत साहू, समाज कल्याण विभाग के एडीएम कमलेश कुमार पटेल को झंडा सम्मान पूर्वक दिया गया। इसके पश्चात कुछ होटल, स्कूल, वकील, राहगीरों को भी झंडा वितरित किया गया। इसी कड़ी में दुर्ग कोतवाली थाना प्रभारी को भी झंडा भेंट किया गया। 75वां स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। श्रुति फाउंडेशन भी इस मुहिम के लिए आगे आई है और संस्था शासन प्रशासन और जनता से रूबरू होके ये अपील कर रही है कि आप लोग भी इस मुहिम में आगे आएं और अपना ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दें। हमने कल कलेक्टर सर से, एसपी सर से, एसपी सर से मुलाकात की और उनको भी हमने फ्लैग दिया और उनसे भी हमने निवेदन किया कि आप सबके सहयोग से इस आंदोलन को और आगे बढ़ाया जाए। और कल हम स्कूल भी गए, स्कूल में भी हमने बच्चों को फ्लैग दिया और हमने बच्चों से कहा कि जिस तरह हम आज राष्ट्र प्रेम की भावना को जन जन तक जाकर जागृत कर रहे हैं, आप लोग भी इस चीज़ को सीखिए और आने वाले समय में आप लोग भी यही काम करिए और आने वाले कल को अच्छा बनाइए। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।